क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। महिला T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और भारत ने उद्घाटन मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से मात दे दी। हालांकि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार बार की चैंपियन के खिलाफ सिर्फ 132 रन ही बनाए थे, जिसके बाद टीम इंडिया मुश्किलों में घिर गई थी। मगर 28 साल की पूनम यादव ने चमत्कार करते हुए चार विकेट लेकर पूरे मैच का पासा ही पलट के रख दिया, जिसके बाद तो पूनम यादव अचानक से सुर्खियों में आ गई और अब हर कोई पूनम के बारे में जानना चाह रहा है। तो आपको बता दें, पहले ही मैच में कोहराम मचाने वाली पूनम का जन्म 24 अगस्त 1991 को आगरा शहर में हुआ था और इसी वजह से वो 24 नंबर की जर्सी भी पहनती हैं। पूनम के पिता रघुबीर सिंह रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। पूनम आज भी टॉम बॉय की तरह रहने वाली पूनम बचपन से ही लड़कों की तरह रहती थी। उन्हीं की तरह कपड़े पहनना और लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना उनका शौक था। पूनम ने 8 साल की उम्र में ही स्टेडियम में जाना शुरू कर दिया था, मगर रिश्तेदारों के दबाव की वजह से पिता ने उन्हें क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था और घर में बंद कर दिया था। लेकिन क्रिकेट तो पूनम की हर सांस में बसता था, इसीलिए वो एक दिन किसी को भी बिना बताए चुपके से घर से निकल गई और फिर बहुत मनाने के बाद ही घर लौटी। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें क्रिकेट खेलने की इजाज़त दे दी। हालांकि इसके बाद पूनम ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।